नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की भीम आधार पे सेवा। लोगों को सेवा से जोड़ने पर सरकार देगी पैसा। क्लीन मनी अभियान के तहत देश भर में 60,000 लोगों को CBDT का नोटिस। एसी खराब होने के कारण यात्रियों ने विमान रोका। मुंबई से भोपाल जा रहा था जेट एयरवेज का विमान। कुलभूषण जाधव के मामले पर पाक विदेश सचिव से मिले भारतीय उच्चायुक्त गौतम। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मायावती ने करारी हार से सबक लेते हुए कहा, भाजपा छोड़ किसी से भी मिला सकते हैं हार। MCD चुनाव के पहले केजरीवाल का नया दांव। दिल्ली में भी बनेगा SC ST आयोग। कर्नाटक में मैसूर के क्या था मारन हल्ली में करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 6 झुलसे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र में आग की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मृत्यु। अफगानिस्तान में अमेरिका के महाबम GBU-43 के हमले में 36 IS आतंकवादी मारे गए। मेक्सिको के दक्षिण पश्चिम इलाके में बस और ईंधन ले जा रहे एक ट्रक के बीच टक्कर में 24 लोगों की मौत, 9 अन्य घायल हुए। पाकिस्तान में पेशावर में ईफ निंदा के आरोप में पत्रकारिता के छात्र की बेरहमी से हत्या। अमेरिका के महाबम का असर, तनाव के बीच 30,000 के पार जा सकता है सोना। डोपिंग मामले में दोषी पाया गया अफगानिस्तान का विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद। सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च किया फिल्म सचिन बिलियन ड्रीम्स का ट्रेलर। आज की मुख्य खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।